हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो अभी अभी जो HSSC का नोटिस आया है वो आपके लिए लेकर आए हैं। क्या नोटिस है? तो ये नोटिस आपका जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट और जिनकी बायोमेट्रिक होनी रह गई थी उनके लिए जो HSSC ने नोटिस डाला है वो आपको बता रहे हैं कि कब आपने जो वेरिफिकेशन है वो करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिस फॉर द बायोमेट्रिक फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल GD अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो 16/6/2022 की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 है उसमें क्या कहा गया है, कैटेगरी नंबर 1 सेल रिपोर्ट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑन 11/3/2023 को रिपोर्टिंग करानी है फॉर मेल कांस्टेबल एट 9 AM 9 बजे एट स्टेडियम मधुबन, जो वाचर स्टेडियम मधुबन है वहाँ पे आपको क्या करवानी है, बायोमेट्रिक करवानी है। दे आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ लेके जाने हैं। सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, एक तो क्या करना है, अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट की। ठीक है, फोटो कॉपी निकलवा के उनके ऊपर खुद साइन कर लीजिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था हरियाणा पुलिस का वो कॉपी कर लीजिए उसकी भी। ठीक है, और 2 फोटोग्राफ फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल और 2 फोटो साथ लेके जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रोल नंबर डाल दिए गए हैं इसमें, आप अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज ये आप इनमें अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। जिस जिस का रोल नंबर आया है वो अपनी बायोमेट्रिक के लिए मधुबन पहुँचाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये पूरी लिस्ट यहाँ पे डाल दी गई है, इनमें अपना रोल नंबर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाने हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप जो इन्होंने टाइम बता रखा है उस समय मधुबन करनाल में पहुँच जाएँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर अब नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो फेल कर दिया जाएगा, तो आप ऐसा ना करें। जल्दी से जल्दी जो 11 तारीख को, आज 10 तारीख है यानी कि कल ही आपने यहाँ पे पहुंचना है। कहाँ पे बताया इन्होंने, वैचर स्टेडियम मधुबन। ठीक है, मधुबन करनाल के अंदर है, वहाँ पे आपने चले जाना है। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और जिसको भी CET मेंस की तैयारी करनी है तो वो आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो दे दी गई है वहाँ से आप देख लीजिए, साथ में और भी वीडियो आपके लिए डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।